हेलो जी, राम राम जी। आप सभी को आज हरियाणा दिवस है और आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आज मैं आपको करवाऊंगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज, आप लोगों की एक्सरसाइज 13.8, और वो स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करा दूंगी, बाकी के 5 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है और हमारे पास जो रेडियस है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 4/3 पाई होता है। रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो ये हमारे पास है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 22/7। रेडियस हमारे पास क्या है, 7 × 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 22 को 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, 7 को 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4312 और डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना था। इसी का सेकेंड पार्ट है, उसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास जो रेडियस है स्फीयर की वो हमारे पास क्या है, 0.63 है। ठीक है, तो हमारे पास अब की बार रेडियस हमारे पास क्या दे दी, 0.63 दे दी। तो रेडियस हमारे पास होगी 0.63। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 22/7। रेडियस हमारे पास हो जाएगी 63/100, ये भी हो जाएगी 63/100 और ये भी हमारे पास हो जाएगी 63/100। ठीक है, 7 पे काटेंगे 7 निम 63 3 पे काटेंगे 3 3 9 और कुछ नहीं कट रहा है इसके अंदर। ठीक है, 22 को 4 की मल्टीप्लाई करनी है 88 × 3 × 63 × 63 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 100 × 100 × 100 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप चाहो तो इसको 2 पे कैंसिल कर सकते हो, इसके अलावा और कोई भी चीज है जो आपकी वो कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, ऊपर वालों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10478। ठीक है, नीचे आपके पास ये 0 है, 100 × 100 × 100। ठीक है, तो ये आपके पास जो आंसर है, 2, 4 और 5 है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो या मीटर में बदलोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप इसको मीटर में बदलोगे तो आपके पास वैसे तो ये क्या आया, इसको सोल्व करके 1. ये आ जाएगा हमारे पास 1.0478। ठीक है, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट लिखना चाहो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1.05 मीटर क्यूब के अंदर आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, ये आपका इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में देखा, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बोल। सॉलिड स्फेरिकल बोल का डायमीटर दे रखा है और हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर हमारे पास दे रखा है, तो देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है स्फीयर का। ठीक है, और हमारे पास जो डायमीटर है वो हमारे पास क्या दे रखा है, 28। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, डायमीटर हमारे पास क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी, 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या होता है, वही सेम अभी बताया था, क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7। रेडियस हमारे पास हो जाएगी 14 × 14। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसको 7 पे कैंसिल करेंगे, 7 पे ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा,
तो 22 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 88 गुणा में 2, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या गया, 16 और 176, 176 की और 196 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या 3 है, ठीक है। जब आप 176 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 34496 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 34496 अपॉन में 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट दे रखा है 0.21 दे रखा है डायमीटर। इसी का देखो सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास जो डायमीटर है वो हमारे पास दे रखा है 0.21 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, 0.21 अपॉन में 2 हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू सेम 22/7 रहेगी। इसको आप क्या ले सकते हो, 21 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 200 और मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 200, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको वही 7/7 किया, 21 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और चाहो तो आप काट लो, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है क्योंकि फायदा नहीं कोई। तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 88 आएगा। 21 का जो स्क्वायर होता है वो 441 होता है और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा ये 60 इसके पीछे, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। इसको जब आप सोल्व करोगे ना, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आपके पास आंसर आएगा बहुत बड़ा। जो आपके पास वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे और कुछ भी दे रखा है नहीं, ये आपके पास आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, कट जाएगा ये आप लोगों पे, ये 8 पे तो कट ही रहा है, सीधा यहाँ पे 11 बज जाएगा, सिंपल हो जाएगा फिर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके पास क्या रखा है, डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉली 4.2, व्हाट इज द मास ऑफ बॉली विद द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। हमारे पास क्या पूछा है, इसने डेंसिटी मास पूछा है और डेंसिटी गिवन है और डायमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 4.2, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी 4.2 अपॉन में 2 यानी के 2.1, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस हो जाएगी 21/10 क्योंकि 2.1 है, 21/10 और ये भी क्या हो जाएगा 21/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप कैंसिल करोगे 7/7 21 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 22 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आएगा, 21 और 21 की मल्टीप्लाई करोगे 441 आएगा और नीचे आपका आ जाएगा 1000, ठीक है। ये अभी आप लोगों ने पीछे मल्टीप्लाई की थी, आपकी मल्टीप्लाई क्या आएगी 38, ये है ना 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका मास निकालना है और डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो मास हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। वॉल्यूम हमारे पास आया है 38.808 और डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 8.9। तो जब आप 8.9 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 345.39 ग्राम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कर लेना इसको अच्छे से, कोई डाउट आता तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फोर क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। मून का जो सेम क्वेश्चन 13.7 के अंदर भी था कि जो मून का डायमीटर ना वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का और वॉल्यूम ऑफ मून का। तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर में बोला इसने कि डायमीटर है ना मून का वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ठीक है। तो आप क्या करो, डायमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थ का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ अर्थ
वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डायमीटर ऑफ मून हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 है, तो क्या हो जाएगा, डी बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगी, यहाँ से डी बाई 2 आ जाएगी। और रेडियस ऑफ मून हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से डी बाई 8 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ किसका, मून का, और अपन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ मून अपन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर बाई 3 पाई आर क्यूब। आर इसके हमारे पास क्या है, डी बाई 8 का क्यूब। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा अर्थ, नीचे आ जाएगा मून। आर का क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाई डी का क्यूब। ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये कट के हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:64। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:64। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास अर्थ का और जो मून का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:64 आ जाएगा। ठीक है, पहले देखो सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होगा, डी। डायमीटर ऑफ मून हमारे पास क्या होगा, डी बाई 4। ठीक है, डायमीटर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ क्या आ जाएगी, डी बाई 2 आ जाएगी। और रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगी, डी बाई 8 आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:64 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.85 सेंटीमीटर होल्ड। हमें बताना है कि कितने लीटर की जो बोतल है ना उसके अंदर दूध डालना है, उसका डायमीटर दे रखा है 10.5। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है हमें। देखो डायमीटर हमारे पास क्या दे रखा है, 10.5, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, 10.5 बाय में 2 इनके 5.25। ठीक है, मीटर में दे रखा है ना, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या होता है, हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7। रेडियस क्या आ जाएगी, 525/100 गुणा में 525/100 और गुणा में क्या हो जाएगा, 525/100। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 7 पे कट जाएगा ये, 49 और 7×5=35, 12 में से लोगे 3/75, फिर कट जाएगा ये 25 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 44 की, 25 की, 525 की और 525 की डिवाइडेड बाय आपके पास ये चीज़ है। ठीक है, इसको और सोल्व कर लो, 25 से कम 25, 2500 ये कट के क्या आ गया यहाँ पे, 11 आ गया। ठीक है, तो अब आपके पास रह गया 525 की गुणा करेंगे 525 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10000 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 303.1875। ये आएगा 303.1875 और ये आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। इसको लीटर में बदलोगे तो आप इसको क्या करोगे, दोबारा से 1000 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो 1000 से जब इसको दोबारा से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.303। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.303 लीटर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.303 लीटर, 0.303 लीटर ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन थे इस वीडियो के, इस एक्सरसाइज के 13.8 के। अब आपके इसके अंदर 5 क्वेश्चन और आगे हैं, इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगी। उसके बाद जो ये आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है। मैं तो सोच रही हूँ क्वाड्रिलेटरल करवाने की, अगर आपको कोई और चैप्टर करना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है,
अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।